छतरपुर में आगामी 23 सितंबर को गणेश प्रतिमा के विसर्जन को लेकर प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है, जिसमें बूढ़ा बांध का जायजा लेने के लिए कलेक्टर रमेश भंडारी, एसपी विनीत खन्ना सहित पुलिस अमला पहुंचा। सुरक्षा व्यवस्था में सतर्कता बरतते हुए छतरपुर के बूढ़ा बांध में गोताखोरों को उतारा गया, साथ ही मोटर बोट को भी चेक किया गया। पानी को साफ रखने के लिए कलेक्टर रमेश भंडारी ने मूर्ति विसर्जन करने वालों से अपील की कि गणेश प्रतिमा एवं पूजा सामग्री को निर्धारित स्थान पर ही विसर्जित करें। निरीक्षण के दौरान एसपी, कलेक्टर के अलावा एडिशनल एसपी जयराज कुबेर, होमगार्ड डिस्ट्रिक्ट कमांडर करण सिंह, एसडीएम कैलाशपुरी, तहसीलदार आलोक वर्मा सहित पटवारी एवं होमगार्ड के जवान मौजूद रहे। वाहनों के आने जाने के लिए बैरिकेडिंग की जा रही है, पार्किंग का स्थान पहले से है, उसको साफ सफाई की जा रही है। जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार 3 गड्ढे खोदे जा रहे हैं, व्यवस्था लगी हुई है, नाव भी है और तैराक दल भी है। बूढ़ा बांध में हमारी 2 टीमें तैयार की गई हैं, जिनके पास मोटर बोट और सभी प्रकार की बाढ़ बचाव सामग्री है उनके साथ में, जो लगातार विसर्जन तक ड्यूटी करती रहेंगे। गणेश विसर्जन को लेकर आज हमारे प्रशासनिक अमले पूरे इस जगह का विजिट कर गए हैं और यहाँ पे होमगार्ड का पूरा बल तैनात रहेगा, साथ में यहाँ पे पंडाल की व्यवस्था होगी, अनाउंसमेंट होंगे, जितने भी मूर्ति आएंगे उनके विसर्जित करने के लिए 2 अलग अलग गड्ढे रहेंगे, जिसमें एक पूजन सामग्री रहेगी और एक में जिसमें मूर्ति विसर्जन किया जाएगा, जो कि जैसा कि एनजीओ का वैसे भी पहले से ही निर्देश है कि इस पे गंदगी ना हो, उस विशेष बात को ध्यान में रखते हुए हम तालाब में मूर्ति विसर्जन करने से रोकते हुए किस लिए विसर्जित करने के लिए अलग से। यहाँ पर मैक्सिमम लोग बूढ़ा तालाब पे आते हैं, यहाँ पर हमने सुरक्षा की व्यवस्थाएं की है, गोताखोर लगाए हैं, एक मोटर बोट भी तैनात की है, साथ ही साथ आप सब जानते हैं कि छतरपुर शहर को बूढ़ा तालाब से पीने का पानी सप्लाई होता है, हमने पूजन सामग्री विसर्जन के लिए अलग से स्थान निर्धारित किया है एवं मूर्तियों को विसर्जन के लिए भी हमने अलग से पानी की व्यवस्था की है। मैं शहरवासियों से अपील करता हूं कि पानी को शुद्ध रखने के लिए वो अपने साथ ले गए पूजन सामग्री एवं मूर्तियों को निर्धारित स्थल पर ही विसर्जित करें। न्यूज वीके के लिए छतरपुर से सुशील सिवारी की रिपोर्ट।